आवाज कम नहीं बोला, नहीं नहीं भागने नहीं बोला। कुर्सी लेके भागे। रोल रोल चाची आपका बर्थडे है पहले तो, ऑल द बेस्ट, और आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। थैंक यू सो मच। इतने सारे केक काटे, मतलब इतना डांस किया, क्या कहना चाहेंगे अपने बर्थडे खुद सेलिब्रेट किया? मेरे चेहरे से मेरे जन्मदिन की खुशी आप लोगों को नजर आ रही होगी कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे चेहरे का ग्लो से पता चल रहा होगा कि आज के दिन मैं कितनी खुश हूँ। ऑफ कोर्स मेरे लिए ये दिन खास है क्योंकि मेरा बर्थडे है, एंड बहुत डांस किया हमने, हम बहुत नाचे, बहुत इन्जॉय किया, केक कटिंग किया, सो यस बहुत अच्छा लगा। और मेरे प्रोडक्शन हाउस ने, स्टोरी स्क्वायर ने इतना अच्छा डेकोरेशन यू नो करवाया है। आज हमारे प्रदीप जी जो हैं SP हैं शो के, उन्होंने जगह जगह पे मेरे स्टैंडीज लगे हुए हैं हैप्पी बर्थडे के, एंड फुल डेकोरेटेड है। तो इतना अच्छा, इतना स्पेशल मुझे फील कराया कि जब मैं आई सेट पे मेकअप रूम में तो मैं शॉक्ड हो गई कि ओह माय गॉड ये क्या है। सो बहुत अच्छा लगता है जब आपको यू नो ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं, वो भी प्रोडक्शन हाउस से। और रथ पर इतने सारे लीप हो रहे हैं, आपका नया पुनर्जन्म भी हो गया है और एक और जन्म आपका होने वाला है एज अ नेता। आप पॉलिटिकल पार्टी आपने ज्वाइन की है, इलेक्शन लड़ेंगे इस साल, तो क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे मतलब पड़ाव एक साथ चल रहे हैं जी, ये जन्मदिन मेरे लिए और ज़्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये साल दमोह विधानसभा 55 क्षेत्र से मैं इस साल चुनाव लड़ने वाली हूँ और इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ मैं। नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन होंगे। सो ये मेरी ज़िंदगी का एक अलग पड़ाव है क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई थी तब मैं 18 साल की थी और तब मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, और अब मैं पॉलिटिक्स में जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दमोह के लिए, जहाँ से मैं आई हूँ, जिस गाँव से मैं आई हूँ, वहाँ को मुझे बहुत अच्छा बनाना है। मैं चाहती हूँ कि अब दमोह के लोगों के लिए मैं कुछ करूँ, है ना, एंड दमोह को मैं आगे बढ़ाऊँ, दमोह को सिर्फ दमोह नहीं एक स्मार्ट दमोह बनाऊँ, दमोह का विकास हो। तो अभी यू नो बस यही रीज़न है मेरा लोगों की जनसेवा करने का, इसलिए एक अलग मेरी ज़िंदगी का एक अलग